अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हुसैन फाइव आज आपके पास एक मुलाकात से हूँ। ये मैं कलर कहाल पे हूँ, पीर और खारा शरीफ के इलाके में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत खूबसूरत इस सब का आपको मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये रेस्टोरान है, यहाँ पर शॉप बनेगी, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद के मनाजर हैं। ये आप मीनार देख रहे हैं तो बहुत ऊँचा है, और साथ में आपको छोटा सा ये चाँद नज़र आ रहा होगा नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये शवाल की 3 तारीख का गालबन आज, और इसी के साथ मैं आपको मस्जिद का मनाजर दिखा रहा हूँ। ये बड़ी ही खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कलर कहाल का वो लहजा है जहाँ पे एक सॉल्ट रेंज जिसको कहा जाता है। सॉल्ट रेंज का मकसद ये है कि यहाँ पे जो माइंस पाए जाते हैं सॉल्ट के, उसकी वजह से ये सड़क जो है ये ऊँची नीची होती रहती है। यहाँ पे रेस्ट एरिया हुकूमत ने बनाया हुआ है ताकि गाड़ियाँ पहले ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ पे रेस्ट कर लें, अपना ये जो है अपना जो टायर ट्यूब सारा कुछ चेक कर लें ताकि वापस इनके मसला हो। आपसे भी हमारी गुजारिश ये है कि जब भी आप मोटरवे से पिंडी की तरफ जाएँ, लाहौर से आते हुए, जब पिंडी से आते हुए लाहौर की तरफ या लाहौर से पिंडी की तरफ जब कलर कहार का इलाका शुरू होता है तो यहाँ पर लाजमी रेस्ट करें। ये नाज़रीन देखें, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, और सिर्फ मैं कैमरे से बल्कि अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, कैमरा तो ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ इसमें भी आपको खूबसूरत मनाजर दिखा सकूँ। तो ये नाज़रीन है, ये कितना ही खूबसूरत मंजर है देख सकते हैं आप। ये वो दूर से गाड़ियाँ सड़क के ऊपर आ रही हैं नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है कलर कहार का, यकीनन आप जब आएँ यहाँ पर ज़रूर इंजॉय करें, खड़े होकर रुक कर। और ये एक हमारा तजरीदी आर्ट है जो कि दुनिया में मुनफरद पाया जाता है, इंफरादियत है हमारे ट्रक आर्ट की। ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। जिसको ट्रक का आर्ट से पाकिस्तान में पाया जाता है और दुनिया में इसको बड़ी ही जीवाई है, और अंग्रेज़ या यूरोप वाले इसको देखकर बड़े खुश होते हैं। और ये सुनते हैं ये इनफरादियत है पाकिस्तान की, जहाँ पे आप देखें ये खूबसूरत नक्शा नगार के साथ साथ यहाँ पे इसके ऊपर शेर भी लिख रहे हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के म्यार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। समान अल्लाह, क्या कुछ बुरे शेर है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मेयार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ये नज़रें ऐसे अशार आपको सिर्फ ट्रकों पर मिलेंगे, इस खूबसूरत लिखाई के साथ है। आ बंजो गाड़ी भी ला गिने ना, शेर बहुत प्यारे होंगे, ट्रक पिछले शेर क्लास में लिखे होंगे, ये कदा ही नहीं मिलने है। हाँ, तो ताइए ये जो शेर लिखे होंगे सिर्फ ट्रक से मिल रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत शेर होता है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मेयार गिरे, कराची से चलते हैं कोस्तान तक, और कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ये हमारे वो नाज़रीन लोग होते हैं, हम घरों में बैठ के 10 रुपये की चीज़ जब 15 रुपये में लेते हैं तो बड़े कोफ्त होते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है हमें, लेकिन ये देखें ये लोग, इनकी ईटें, इन्हें छपराते हैं, इनका दोपहर, इनका खाना सब कुछ सड़कों पर होता है। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा GT रोड पर इन्होंने नीचे ज़मीन पर कपड़े बिछाए होते हैं, ट्रक ख़राब हुआ है तो कई कई घंटे वहाँ लेटे रहते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, यहाँ नज़र है, वो कहता से है, वो कहता से, हाँ मैं इनसे पूछता हूँ क्या नाम है सही, ताकत कितने देर आना ले हो, बरौली पीरा, कितना अर्सा गया ट्रक देना, बहुत ही 6-7 साल, क्या करें दे हो, खराब हो बन जाते, खराब हो बन जाए बैग सुचैने भी उनके कर, फिर रोटी पानी कितने कहते हो, रोटी पानी कितना मजे तो यार
ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਯਾ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਲਵਾਲ ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਵਾ ਅਗੇ ਨਾ ਬੰਜਿਆ ਨਾ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਘਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗੇ ਨਾ ਬੰਜਿਆ ਬੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਥਿੰਦੀਆਂ ਕੋਮ ਲਾਇਵ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਮ ਲਾਇਵ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਬੈਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਹੈ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿਨ ਗਿਆ ਜਿਸਾਂ ਟਾਇਰ ਪੈ ਬੰਜੇ ਜਿਸੇ ਗੱਡੀ ਪੈ ਬੰਜੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਪੈ ਬੰਨੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੋ ਬਾਕੀ ਕੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਕਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ नाज़िम देखा ये हमारे वो लोग हैं जो हमें घर बैठे हर चीज़ दुनिया की पहुंचा देते हैं लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी कितनी तल्ख होती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये पता नहीं कितने घंटे यहाँ पर ठहरेंगे, कभी गर्म पानी भी नहीं मिलता, ठंडा तो दूर की बात है। ऐसी जगह पर मैंने ट्रक ख़राब होते देखे बलूचिस्तान जाते हुए कि बे अब हो गया मैदान है, सड़क है और आगे भी रेत है, पीछे भी रेत है, गर्मी है, लेकिन बस चल रहे हैं और लेटे हुए ला के आते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा कल्चर है नाज़रीन जिसको आप देख रहे हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त दीजिए, ये देखिए एक और खूबसूरत ट्रक जा रहा है। इसको ग्रीडी आर्ट हमारे सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है, इसने भी शेर यकीनन लिखा होगा लेकिन इसको तो गुजर गया, मैं पढ़ नहीं सका। इसी के साथ इजाज़त दिलाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।